दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2020-21 का लिस्ट कैसे देख सकते हैं कि आपके ग्राम पंचायत में किन किन लोगों का नाम चयनित किया गया है और आपका भी नाम उसमें है कि नहीं है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कितने पैसे उनके अलाट हुए हैं और कितना पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है और किस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, सब कुछ डिटेल्स में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो भाई दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने किसी भी इंटरनेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है, चाहे आप मोबाइल में यूज कर रहे हो या अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में। दोस्तों यहां पे आपको गूगल में सर्च कर देना है pmayg.nic.in। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो डायरेक्ट वहां से भी इसको ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ओपन होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों ओपन होने के बाद से आपको एक ऐसा पॉपअप विंडो आएगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। दोस्तों यहां पे आपको एवा सॉफ्ट एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। और दोस्तों इस पे क्लिक करने के बाद से यहां पे आपको रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद से आपको कुछ सेकंड तक वेट कर लेना है। वेट करने के बाद से दोस्तों आप देख सकते हैं आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। दोस्तों यहां पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद से दोस्तों यहां पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन। दोस्तों आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको यहां पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। यहां पे दोस्तों आपको अपना डिटेल्स थोड़ा फिलअप कर देना है, जैसे कि आपको इस पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहां पे स्टेट सेलेक्ट करने के बाद से इस पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है। अब दोस्तों यहां पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद से इसमें आपको अपना ब्लॉक, अपना प्रखंड जो भी है आपको उसको आपको यहां पे सेलेक्ट कर देना है। दोस्तों अपना ब्लॉक, अपना प्रखंड सेलेक्ट कर लेने के बाद से इसमें आपको अपने ग्राम पंचायत का नाम जो है वो आपको सेलेक्ट कर देना है। दोस्तों अपने ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करने के बाद से यहां पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे लेटेस्ट जो 2020-21 का जो सूची है वो आपको कैसे देखना है, तो यहां पर 2020-21 पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों इसके नीचे आपको यहां पे एक ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें आपको कई सारे रिपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो दोस्तों यहां पे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहां पे कैप्चा कोड दिया हुआ है, तो यहां पे कैप्चा कोड थोड़ा कुछ कैलकुलेशन में दिया हुआ है, तो आपको कैलकुलेट करके इसमें फिलअप करके और सबमिट कर देना है। तो जैसे दोस्तों यहां पे बता रहा है 53 में से 20 को माइनस कर देना है, तो दोस्तों यहां पे 53 में से 20 को माइनस करके यहां पे मैं टाइप कर देता हूं। तो दोस्तों सबमिट पे क्लिक करते ही आप यहां पे देख सकते हैं इस ग्राम पंचायत में जितने भी लाभार्थी हैं सबका यहां पे डिटेल्स ओपन हो गया है। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे लाभार्थी का नाम, यहां पे उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहां पे किस योजना के अंतर्गत मिला हुआ है, तो यहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, यहां पे 2020-21 सबसे लेटेस्ट ईयर है। और दोस्तों यहां पे मैं आपको आगे दिखा देता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो स्टेटस है वो हाउस सेंक्शन, मतलब कि घर के लिए इनका पैसा सेंक्शन कर दिया गया है। और दोस्तों किस डेट में सेंक्शन किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 17/9/2020 को ये सेंक्शन हुआ है। और दोस्तों कितना अमाउंट सेंक्शन हुआ है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे 1,30,000 रुपये सेंक्शन हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 45,000 रुपये जो है वो रिलीज्ड कर दिए गए हैं और इनके खाते में भेज दिए गए हैं। और यहाँ पे किस डेट में ट्रांसफर किया गया, यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ 1/10/2020 को इनके खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। और यहां पे दोस्तों सारा डिटेल्स दिया हुआ है, यहां पे इंस्पेक्शन डेट दिया हुआ है किस डेट पे इनका जांच हुआ है यहां पे। उसके बाद से दोस्तों यहां पे आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पे इंस्पेक्शन ऑफिसर का नाम भी दिया रहता है, बट अभी यहां पे डाटा फीड नहीं किया गया है। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि सिर्फ पर्टिकुलर आपका आईडी का क्या स्टेटस है, किस बैंक अकाउंट में मेरा पैसा जा रहा है, तो दोस्तों उसके लिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको आपको यहां से कॉपी कर लेना है। अगर आपके में कॉपी करने का सिस्टम नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और नोट करने के बाद से दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको स्टेक होल्डर पे यहां पे आपको आना है। और आने के बाद से दोस्तों यहां पे दिया हुआ है IAY PMAYG बेनिफिशियरी, आपको इस पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको एक नया यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर नोट किया है या कॉपी किया है उसको दोस्तों यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद से दोस्तों आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारा डिटेल्स ये लाभार्थी का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा दोस्तों मैं इसको जूम कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है, इनका जितना भी डिटेल्स फीड हुआ है यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पे बता रहा है बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि बैंक ऑफ इंडिया वाले खाते में इनका जो है पैसा वो जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो इनका सारा डिटेल्स बताएगा। यहाँ पे 1,30,000 रुपये इनका सेंक्शन हुआ है और ये योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। और दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं ये उज्ज्वला कनेक्शन स्टेटस यहां पे दिया हुआ है कि इनका उज्ज्वला कनेक्शन का क्या स्टेटस है, मनरेगा का क्या स्टेटस है, यहां पे सब कुछ देख सकते हैं। मतलब कि ये जो लाभार्थी हैं ये उज्ज्वला योजना स्कीम को भी यूज करते हैं, मनरेगा के मजदूर भी हैं। और दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का पैसा है, 45,000 रुपए इनके खाते में भेजे जा चुके हैं। यहां पे ऑर्डर शीट डेट भी यहां पे दिया हुआ है, यहां पे एफटीओ पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। और दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं अधिकारी द्वारा मोबाइल ऐप से उनकी यहां पे जीरो टैगिंग भी हुई है। यहां पे इनका जमीन नहीं है, मतलब यहां पे दोस्तों इनका घर नहीं है, इस जमीन पे ये घर बनने वाला है। यहां पे देख सकते हैं ये झोपड़ी है, इस झोपड़ी को तोड़ के और ये यहां पे ये घर बनने वाला है। मतलब कि दोस्तों ये जो भी लाभार्थी हैं ये बिल्कुल जेन्युइन है और इनका यहां पे जीरो टैगिंग हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे आप भी अपने ग्राम पंचायत का अगर चाहें आप अपना ही इस लिस्ट में ऐसे अपना नाम चेक कर सकते हैं या आपने किसी जानने वाले का इसमें नाम चेक करके उसकी मदद कर सकते हैं, उनका कितना अमाउंट रिलीज्ड हो गया है उनको बता सकते हैं, उनका पैसा किस खाते में जा रहा है आप उनको बता सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों आपके मन में कोई भी सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।